गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आपका कर्म ही जब पढ़ाई करने का है तो आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ाई करें और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। तो आज हम उसी से रिलेटेड अपनी जो मन की शांति किससे प्राप्त होती है हमें और हमें प्रार्थना पूजा के स्थान वगैरह, हमारे देश में क्या अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं तो वो अलग अलग जगहों पे जाके पूजा करते हैं, अलग अलग तरीके हैं उनके पूजा पाठ के, अलग अलग त्यौहार हैं उनके, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में आप जानेंगे अलग अलग धर्मों के लोग कहाँ कहाँ पूजा करते हैं और इन धर्मों के मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे हिंदू धर्म का ग्रंथ कौन सा है, गीता रामायण, तो वैसे ही तो हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, वे सभी अपने अपने ढंग से पूजा करते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग ढंग से पूजा करते हैं। आपने देखा होगा ना कि हम हाथ जोड़कर करते हैं और जो मुसलमान होते हैं वो मस्जिद में हाथ ऊपर की ओर करके करते हैं, तो वो सबका अलग अलग पूजा करने का तरीका है। सभी धर्मों के लोग प्रार्थना या पूजा करने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। अब जैसे हम मंदिर में जाते हैं, कोई चर्च में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है और कोई मस्जिद में जाता है, तो अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग स्थानों पर पूजा करने जाते हैं। ईश्वर एक है, पूजा आप किसी तरीके से करें, किसी ढंग से करें, लेकिन ईश्वर क्या है, सबका एक है। विभिन्न धर्मों के लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, ठीक है। जैसे हम हिंदू धर्म के लोग क्या कहते हैं, राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, दुर्गा जी, ऐसे देवी देवताओं के नाम है। ऐसे ही मुसलमानों के अल्लाह कहते हैं और सिखों के गुरु गुरुद्वारे जाते हैं और गुरु साहब की पूजा करते हैं। तो इसी चर्च में ईसा मसीह की पूजा की जाती है। तो अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग अपने भगवानों के नाम से पूजा करते हैं। हमें नित्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्यों, सभी बच्चे करते हैं ना, सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं और मंदिर जाके, कई अड़ोस पड़ोस में आपके अगर शिव जी का मंदिर तो शिव जी जल चढ़ा कर आते हैं, ठीक है। और अगर आपके पेड़ पौधे में फूल वगैरह लगे हुए हैं तो फूल पत्ते वगैरह से उस शिवलिंग को सजा कर आते हैं, तो सभी बच्चे करते हैं। और नहीं तो आपके घर में बड़े जो भी हैं वो भी पूजा करते हैं, तो उनको देखकर आपको भी पूजा करनी सीखनी चाहिए। भगवान की कृपा से ही हमें सब चीज़ें मिली है, जो प्रकृति में सब कुछ जो दिया हुआ है वो क्या है, प्रकृति ने जो सब कुछ हमें दिया है वो भगवान ने दिया है। और प्रकृति के बिना हम जी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, जो हम जिनसे हमें खाने के लिए मिलता है, जो चारों ओर हमारे वायुमंडल है जिससे जिसमें उपस्थित ऑक्सीजन का हम उपयोग सांस लेने में करते हैं, तो ये सब चीज़ें प्रकृति द्वारा हमें मिलती है। और प्रकृति किसने बनाई है, प्रकृति का निर्माण किसने किया है, सृष्टि का निर्माण किसने किया है, भगवान ने। हिंदू लोग मंदिर में पूजा करते हैं, तो हिंदू लोग कहाँ पूजा करते हैं, मंदिर में करते हैं, राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, दुर्गा जी आदि हिंदुओं के प्रमुख देवी देवता हैं। गीता, रामायण, वेद पुराण हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिंदू लोग पूजा करने कहाँ जाते हैं, तो हिंदू लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं। हिंदुओं के प्रमुख देवी देवताओं के नाम बताइए, तो राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, दुर्गा जी आदि हिंदुओं के प्रमुख देवी देवता हैं। हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, गीता, रामायण, वेद पुराण आदि हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं। अब मुसलमानों के बारे में पढ़ेंगे, तो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो इन अगर हम मंदिर में जाते हैं तो ये नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, मस्जिद में, कहाँ जाते हैं, मस्जिद में। वे अपने ईश्वर अल्लाह की प्रार्थना करते हैं और वे ईश्वर को किस नाम से बुलाते हैं, अल्लाह के नाम से बुलाते हैं। उनका पवित्र ग्रंथ कुरान है। उनका पवित्र ग्रंथ कौन सा है, कुरान। मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती है, मस्जिद में जैसे हमारे शिव जी, राम, कृष्ण, दुर्गा जी की मूर्ति होती है, मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुसलमान पूजा करने कहाँ जाते हैं या नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं, तो क्या बताओगे, मस्जिद में। और वे अपने ईश्वर को किस नाम से पुकारते हैं, अल्लाह के नाम से। उनका पवित्र ग्रंथ कौन सा है, कुरान। और मस्जिद में अगर सत्य असत्य में पूछ ले कि मस्जिद में कोई मूर्ति
होती है तो आप लिखोगे रॉन्ग, मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती है। तथ्य पेटिका में क्या दिया हुआ है, आपकी बहुत अच्छी सी प्यारी सी बात बता रखी है, हमें ईश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिए, हमें ईश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिए। ईश्वर एक है और दयालु है। ईश्वर आप चाहे किसी धर्म में हो पर सबका ईश्वर क्या है, एक है। तो ईश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिए। और ईश्वर क्या है, एक है सबका, और वो दयालु बहुत है। जो भी आप मांगोगे आपको मिल जाएगा। ज्यादातर बच्चे वैसे तो एग्जाम वगैरह में तो भगवान को याद कर ही लेते हैं, करते हैं ना। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। सिख लोग गुरुद्वारे में प्रार्थना करते हैं, वे वाहे गुरु की प्रार्थना करते हैं, उनके वो वाहे गुरु की प्रार्थना करते हैं। गुरुद्वारों में गुरुवाणी सुनाई जाती है, गुरु ग्रंथ साहिब उनका पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, जैसे हमारे सुंदरकांड के पाठ वगैरह करवाते हैं वैसे उनके क्या होती है, गुरुवाणी होती है। तो अब सिख लोग प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं, तो गुरुद्वारे में। उनके गुरु को वो किस नाम से पुकारते हैं, वाहे गुरु। और गुरुद्वारे में क्या सुनाई जाती है, गुरुद्वारे में गुरुवाणी सुनाई जाती है। उन सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चनों के आंसर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे इसमें ईसाई लोगों के बारे में। ठीक है ना, अभी हमने हिंदू मुस्लिम और सिख के बारे में पढ़ लिया, अब ईसाई लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ईसाई लोग गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं, तो ईसाई लोग कहाँ प्रार्थना करते हैं, गिरजाघर में। तो ईसाई लोग गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। ईसाई लोग ईसा मसीह की प्रार्थना करते हैं। ईसाई लोग गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं, किसकी प्रार्थना करते हैं, ईसा मसीह की प्रार्थना करते हैं। गिरजाघर में पादरी होते हैं, जैसे हमारे पंडित होते हैं ना हिंदू लोगों में, वैसा गिरजाघरों में पादरी होते हैं। पादरी प्रार्थना करवाते हैं और उपदेश देते हैं। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ईसाई लोग कहाँ प्रार्थना करने जाते हैं, तो गिरजाघर में। ईसाई लोग किसकी प्रार्थना करते हैं, या उनके गुरु भगवान का नाम बताइए, तो वो या भगवान को किस नाम से पुकारते हैं, तो ईसा मसीह के नाम से। और जैसे हिंदू धर्म में पुजारी होता है, उसी तरह से गिरजाघरों में कौन होता है, पादरी। पादरी क्या कार्य करवाता है, तो पादरी प्रार्थना करवाते हैं और उपदेश देते हैं। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ का नाम बताइए, तो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। तो इस तरह से आप ये जो हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाइयों के बारे में मैंने पढ़ाया है उसे रिवाइज करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं इससे रिलेटेड दो धर्मों के बारे में, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाऊंगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आपसे पूछेंगे। तो इसे इसलिए आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इन इस जो मैंने चार धर्म के लोगों के बारे में, उनके ग्रंथों के बारे में, उनके भगवान के बारे में, उनकी प्रार्थना करने के तरीके के बारे में बताया है, उसे आप रिवाइज करेंगे। और जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँ तो आपको अच्छे से वो समझ में आ सके। थैंक यू।